आज हम एक प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं। प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका वास्तव में त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, तीन शीर्ष होते हैं और हर शीर्ष के सामने भुजा होती है। तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु यदि हम मिला दें तो वो माध्यिका कहलाती है। सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हमने सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया तो ये माध्यिका। हम इसके पहले इसको सिद्ध करें तो हम कुछ बातों को हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में, ये तीन पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम्स के आमने सामने की भुजाएं एक तो बराबर होती हैं। ये हमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और समानांतर भी होती है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और समानांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा इस सामने वाली भुजा के बराबर और समानांतर है। ऐसे ही इस पैरेललोग्राम में ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर और बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और समानांतर है। दूसरी बात, जो डायगोनल्स होते हैं इनके, विकर्ण होते हैं जो, वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो ये भी हमें पता होना चाहिए पहले से। एक और बात, पैरेललोग्राम के अलावा त्रिभुज के अंदर भी हमें एक थ्योरम लो पता होनी चाहिए जिससे कि हम इस वाली थ्योरम को प्रूव करेंगे। वो ये है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के, एक तो भुजा ये और एक भुजा ये ले ली हमने, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु ले और उन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा की आधी और इस तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हम AC और BC का मध्य बिंदु लिया और उसे मिला दिया। मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा, ये वाली जो रेड कलर में रेखा है, वो इस तीसरी भुजा के समानांतर होगी और इस तीसरी भुजा के से आधी होगी। जितनी इसकी लंबाई है उसकी आधी होगी। अब हम हमारे मुख्य बात को, हम किसी मीडियन को, माध्यिका को, हम तीनों माध्यिकाओं को की माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, माध्यिका बनाने के लिए त्रिभुज की किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है और मध्य बिंदु लेकर उसको सामने वाले शीर्ष के साथ में मिला देंगे। इस प्रकार से एक माध्यिका का निर्माण होगा। इसी प्रकार से हम दूसरी माध्यिका भी बनाएंगे। एसी का मध्य बिंदु लेंगे और ई और उसे बी के साथ मिला देंगे। दोनों माध्यिकाएं जहां मिलती है उस बिंदु का नाम देंगे हम एफ, ये वाला बिंदु है। अब हम ई और डी को मिलाएंगे, ई और डी को मिला के इसको मिला देंगे और आगे हम क्या करेंगे, हम ईडी को मिलाया, हम जानते हैं कि जो ये त्रिभुज था एबीसी त्रिभुज था, इस एबीसी त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु ई, इस भुजा का मध्य बिंदु डी, इसको मिलाने वाली रेखा ईडी इस तीसरी भुजा की आधी और इस तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ईडी एबी के समानांतर भी होगी और ईडी एबी की आधी भी होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम क्या करते हैं, हम बी एफ का मध्य बिंदु लेते हैं, बी एफ का मध्य बिंदु ही जी, और ए एफ का भी मध्य बिंदु लेते हैं हम एच, एच और जी को मिलाते हैं। अब ध्यान देना, ये नया त्रिभुज बना है ए एफ बी, ये वाला ए एफ बी त्रिभुज, ए बी एफ है ना। इस त्रिभुज का, इस भुजा का मध्य बिंदु लिया था हमने एच और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु लिया था हमने जी और इन दोनों को मिला दिया एच जी। तो एच जी क्या होगा, ए बी के समानांतर होगा और ए बी का आधा होगा। आपने देखा था ईडी भी ए बी के समानांतर है और ईडी भी ए बी का आधा है। और ये क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर और तीसरी भुजा की आधी होती है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, ईडी और एच जी क्या समान लंबाई की है, क्योंकि दोनों ए बी की आधी हैं। दूसरी बात, क्या ये जो नया एक पैरेललोग्राम बना है एच जी डी ई, ये
समानांतर चतुर्भुज है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर भी है और ये भुजा इस भुजा के समानांतर भी है। तो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी है और समानांतर भी है। एक पैर भी होता है तो समानांतर चतुर्भुज वो कहलाता है। अब चूंकि X, G, D, E एक समानांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। ये वाला EF, FG के ये जो HF है ये FD के बराबर होगा और EF है वो FG के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए HF बराबर FD, HF FD के बराबर है और EF FG के बराबर, ये हमने सिद्ध किया अभी अभी। AH FH के बराबर है और BG, ये BG FG के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने लिया था ना अभी, ये तो लिया ही था, इस भुजा का हमने मध्य बिंदु लिया था H और इस भुजा का मध्य बिंदु लिया था हमने G, इसलिए ये और ये बराबर है और ये आपने बराबर सिद्ध कर ही दिया है। ये और ये बराबर लिया था आपने, ये और ये बराबर आपने सिद्ध कर ही दिया है। तो ये AH, यहां पर AH बराबर HF बराबर FD, AH बराबर HF बराबर FD होगा। इसी प्रकार से ये BG बराबर GF बराबर FED होगा। अभी क्या हुआ, आपने क्या सिद्ध किया? ये जो माध्यिका थी AD, इस माध्यिका AD के अंदर AF, मतलब ये मान लो एक है, ये मान लो एक है, ये मान लो एक है, तीन सेंटीमीटर की रेखा ये माध्यिका हो गई। तो ये दो भाग है और ये एक भाग है, तो ये एक बिंदु ने इस पूरी माध्यिका को 2:1 में काटा है, ठीक है। एफ है जो इसकी जो तीन भाग है उसमें दूसरे भाग के ऊपर स्थित है। ऐसे ही इस माध्यिका के लिए देखें हम कि इसके तीन भाग बराबर बराबर भाग थे, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, तीनों भाग बराबर है। दो भाग इधर है, एक भाग उधर है, तो हम कह सकते हैं एफ ने इसको 2:1 में काटा है, यहां भी इसको 2:1 में काटा है, ठीक है। तो क्योंकि ये बात इन दो वर्टेक्स के लिए ए और बी के लिए सिद्ध होती है कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में काटती हैं, तो तीसरे वर्टेक्स के लिए भी यही बात सिद्ध होगी कि जो माध्यिका है उसको 2:1 में काटेगी, और 2:1 में काटेगी तो कहां काटेगी? एफ पे काटेगी, क्योंकि इस लाइन को हम मान लीजिए इस लाइन को भूल जाए, बीई को थोड़ी देर के लिए भूल जाए बीई को, और सी से एक लाइन खींचते और मान लो वह एफ पे नहीं कहीं और काटती, लेकिन काटती कहां? एडी को 2:1 पे ही काटती, तो एडी का 2:1 कहां है? एफ पर ही होता है, तो जो सी से जो लाइन माध्यिका बनती वो उसको एफ पर ही काटती, क्योंकि ये बात सिद्ध हुई कि जो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं वो 2:1 पे काटती हैं, तो एफ पर ही काटेंगी, एडी को एफ पर ही काटेगी, तो सी से आने वाली माध्यिका होगी वो भी। इस प्रकार से ये बात सिद्ध हो जाती है कि तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 पे काटती हैं और एक ही बिंदु पर काटती हैं। तो ये हमने सिद्ध किया, तीनों माध्यिकाओं ने एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटा है 2:1 के रेशो में। धन्यवाद, मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू।